नमस्कार, मैं हूं सुखदेव सिंह। आईवीओ न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नजर। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल। भाजपाइयों का दल स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने रांची रवाना। टाटा मुख्य अस्पताल में प्रतिरक्षण केंद्र की स्थापना। और प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर शहर में खेल सहित कई कार्यक्रम, साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा और अन्य बलिदानी शहीद वीरों के सपनों का राज्य झारखंड अपनी स्थापना के 3 वर्ष पूरे कर चुका है, जिसे लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। खासकर प्रदेश की राजधानी रांची में स्थापना दिवस के मौके पर उत्सव का माहौल है, जहां के लिए शहर से सैकड़ों हजारों की संख्या में भाजपाई रवाना हुए। भगवान बिरसा मुंडा समेत अन्य बलिदानी शहीद वीरों के सपनों का राज्य झारखंड ने 15 नवंबर 2003 को अपनी स्थापना के 3 वर्ष पूरे कर लिए। राज्य के स्थापना दिवस को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। खासकर राजधानी रांची स्थापना दिवस उत्सव के जश्न में डूबी हुई है। यहां स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के श्रम मंत्री साहेब सिंह वर्मा भाग ले रहे हैं, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू, नीतीश कुमार, कड़िया मुंडा, राजीव प्रताप रूड़ी, नागमणि और दिग्विजय सिंह स्थापना दिवस समारोह की रौनक बढ़ाने रांची पहुंच चुके हैं। रांची की ताजा स्थिति बताने के लिए फोन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजीव दत्ता जी। उनसे जानते हैं स्थापना दिवस समारोह फिलहाल किस चरण में है। रांची में मौजूद हैं। हाँ संजीव दत्ता जी, रांची में इस वक्त स्थापना दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है? काफी भीड़ भाड़ है, करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। काफी समता पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, समता पार्टी के काफी लोग कार्यकर्ता सारे लोग मौजूद है। नीतीश कुमार जी, माननीय रेल मंत्री और वेंकैया नायडू जी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। सांसद अभा महतो, दिग्विजय सिंह जी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। केंद्र सरकार से और भी कुछ लोग आए हैं क्या इनके अलावा? नीतीश कुमार जी रेल मंत्री आए हैं और वेंकैया नायडू जी आए हैं, दिग्विजय सिंह जी आए हुए हैं। आने के बाद चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है झारखंड सरकार, इस पर नेतागण कौन कौन सी घोषणाएं कर रहे हैं और कौन कौन सी उपलब्धियों को गिना रहे हैं? पिछले 3 साल में जो कार्य अधूरा पड़ा हुआ था वो अभी बीजेपी सरकार ने ये सारा कुछ माने उसको सही तरीका से रास्ता में ले आए हैं और आने वाले दिनों में काफी तरक्की करने की उम्मीद लेके आने वाले साल में कदम रखे हैं और इसके तहत 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, जिसमें मुख्यतः टीचर, शिक्षक, डॉक्टर, कंपाउंडर और पुलिस के पदाधिकारी या कांस्टेबल सारे लोगों की नियुक्ति हो रही है। वहाँ पर प्रशासन की ओर से कैसी विधि व्यवस्था और कैसी तैयारियाँ की गई थी स्थापना दिवस समारोह को लेकर? काफी टाइट है मौजूदा विधि व्यवस्था और सुरक्षा काफी टाइट है। इसमें मीडिया से लोगों को भी कुछ कुछ परेशानी हुई है, लेकिन उसके बावजूद माने अभी तक ठीक ठाक है, वैसे कोई खास परेशानी नहीं है फिलहाल। जानकारी के लिए धन्यवाद संजीव दत्ता जी। नवगठित झारखंड प्रदेश की तीसरी वर्षगांठ पर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी और गणमान्य लोग क्या कहते हैं, इस संबंध में आईबीओ ने उपायुक्त श्रीमती निधि खरे के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी गोसाई उराव के अलावा टाटा मुख्य अस्पताल के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज प्रसाद से बातचीत की। मैं जिला प्रशासन और अपनी ओर से सभी लोगों को बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन उद्देश्यों से के लिए झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सभी अपने अपने तरफ से मेहनत और निष्ठा के साथ उसे उसकी पूर्ति के लिए हम लोग कार्य करेंगे। ये तीसरा साल है झारखंड, जो 3 साल का जो है चलता फिरता बच्चा हो गया है ना, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि भाई हर क्षेत्र से झारखंड का नाम जो है रोशन हो।
आज जो स्थापना दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पर जो क्रॉस कंट्री हुआ, आर्चरी हुआ, और लोगों ने देखा कि आर्चरी में जो है नेशनल लेवल पर भी जो ओलंपिक के लिए लोगों ने जो क्वालिफाई किया है। हम लोगों का हमारा ये भी शुभकामना है कि स्पोर्ट के माध्यम से भी जो है राज को जो है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर स्थान मिले और इसके साथ हर क्षेत्र में जो है अपनी प्रगति करें। इससे वर्षगांठ पर हमारी शुभकामनाएं, और हम लोग की यही मनोकामना है, यही इच्छा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के सभी लोगों के स्वास्थ्य को हम लोग बिल्कुल ठीक रखने में सफल हों। तो हमारी सभी शुभकामनाएं आप कबूल करें और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमारी प्रार्थना है। इधर राज्य के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने भाजपाइयों का काफिला अलग अलग स्थानों से रांची रवाना हुआ। भाजपा महानगर अध्यक्ष अभय सिंह ने दावा किया है कि महानगर से 10,000 कार्यकर्ता रांची रवाना हो रहे हैं। उन्होंने इसे संकल्प यात्रा का नाम दिया। जा रहे हैं, अब 10,000 की संख्या में जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के स्थापना के तीसरी वर्षगांठ में झारखंड सरकार के द्वारा जो समारोह मनाया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता संकल्प लेने जा रहे हैं। संकल्पित यात्रा है। काशीडी दुर्गा पूजा मैदान के अलावा अन्य जगहों पर वाहनों की भरमार रही, जिसमें सवार होकर भाजपाई रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी वाहनों पर पार्टी का झंडा, पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों से इस तरह के वाहन रांची के लिए रवाना हुए। पार्टी के अधिकांश विधायक और मंत्री पहले ही अपने समर्थकों के साथ रांची रवाना हो चुके हैं। इस बीच भाजपा विधायक अरविंद सिंह का भी काफिला दिन के पहले पहर रांची के लिए रवाना हुआ। अपने दल बल के साथ रांची रवानगी से पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने आईवीयू से बात करते हुए भाजपा गठबंधन सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरपूर बताया। को बधाई, और अब 3 साल के अंतराल में जो 50 साल से आजादी के बाद से ये क्षेत्र उपेक्षित था, आज फसल काटने का मौका आया। चारों तरफ आज लोगों का रुझान इस गवर्नमेंट के प्रति या सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता में लोगों की भागीदारी हुई, हमको लगता है बहुत बड़ी शुरुआत है। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जिस ढंग से 32,000 लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, हम समझते हैं कि किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा कदम, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आने वाले दिन में और भी आगे ये स्टेट निकलेगा। इसी के साथ मैं स्थापना दिवस पर सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। सिर्फ भाजपा ही नहीं, सहयोगी दलों का काफिला भी पूरे जोशो खरोश के साथ स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने रांची के लिए रवाना हुआ। हालांकि अधिकांश वाहनों पर भाजपा का केसरिया झंडा, बैनर और पोस्टर दिख रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं में रांची स्थापना दिवस रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा था। टाटा मुख्य अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में बाल दिवस के मौके पर प्रतिरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। केंद्र बच्चों में विभिन्न रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण क्षमता उपलब्ध कराएगा। टाटा मुख्य अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में बाल दिवस के मौके पर प्रतिरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। केंद्र की स्थापना में गैलेक्सो स्मिथ क्लियर का भी सहयोग है। केंद्र बच्चों में पोलियो, बीसीजी, डीपीटी, चेचक, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, टाइफाइड और मेनिनजाइटिस के विरुद्ध प्रतिरक्षण क्षमता उपलब्ध कराएगा। अस्पताल के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में केंद्र ने ओपीडी कमरा संख्या 207 में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस मौके पर डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि टीएमएच में प्रतिरक्षण केंद्र खुलने से शहर के लोगों को अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों का भी यही टीकाकरण होगा, जिससे उनमें कई गंभीर रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण की क्षमता आएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ स्टोरेज सिस्टम अन्य केंद्रों के मुकाबले काफी बेहतर है, जिसका लाभ केंद्र को मिलेगा। This is a place where registry is kept, so we can check on when was the last time you got the immunization. So there are several little benefits to that. Hopefully in the future when we get fully automated, we may even be able to remind you that it's time to get the other injection, the next shot.
So that is basically how we have designed this program. And I have to give a lot of credit to our team members from the Department of Pediatrics who were spearheading this effort. And Dr. Ashish Roy, also from the Department of Pediatrics, will come forward and walk you through a brief presentation of what is it that we are going to be providing. इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे. चिकित्सकों में डॉक्टर एम एन भट्ट, डॉक्टर डी पी पात्रा, डॉक्टर एन के दत्ता, एच पाल, डॉक्टर आशीष राय एवं अन्य प्रतिरक्षण केंद्र खुलने के मौके पर वहां उपस्थित थे. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीओ न्यूज. सुभाष पब्लिक स्कूल को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई दिल्ली अप टू 10+2 लेवल. वी बिलीव इन प्ले वे मेथड फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 2 इयर्स टू 5 इयर्स ओल्ड एंड स्पेशल केयर फॉर स्लो लर्नर्स. वी आर एट ओखारी, द ओनली वन एफिलिएटेड रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल इन जमशेदपुर विद ग्रीन हिली सराउंडिंग्स विच प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज as library, computer lab, television, video movies, playground, etc. For non-residential, we are at Bariji, Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Sheetla Chowk, Parsudi, Jamshedpur. Limited funds are available for contact on phone NSPS Bariji 2210167, NSPS Pokhari 3090233 2700476 9835130265 NSP Chota Govindpur 2277368 NSPS Parsudi 3090234 सुंदर टिकाऊ एवं नए नए डिजाइनों के सूट का विशाल भंडार गुरमीत क्लॉथ स्टोर शिव मंदिर लाइन सच्ची में. आप चाहे तो अपनी मनपसंद डिजाइनों के सूट की सिलाई भी करवा सकते हैं. हमारे यहाँ सिलाई एवं खरीदारी में बाजार से 10% कम कीमत पर सूट, लाछा, लहंगा, सलवार सूट के नए स्टॉक नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं, जिनमें आप अनुभवी कारीगरों द्वारा कढ़ाई भी करवा सकते हैं. एक खास बात, गुरमीत क्लॉथ स्टोर में पाइए माता की चुन्निया, गुरु ग्रंथ साहिब की रुमाले, अमृतसर की नदिया वायल की मशहूर पगड़ियाँ. शादी विवाह, पर्व त्योहारों और सभी शुभ अवसरों पर खरीदारी के लिए बस एक ही नाम, गुरमीत क्लॉथ स्टोर शिव मंदिर लाइन साक्षी. जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक.
कई महीने फिर से आए शक्ति का एहसास चढ़ाए जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक होटल अंबर के बगल में साक्षी जमशेदपुर की खबरों में आपका स्वागत है। वर्ल्ड क्वालिटी डे के अवसर पर टिस्को ट्यूब डिवीजन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके तहत उत्पादों की गुणवत्ता का महत्व दर्शाया गया। वर्ल्ड क्वालिटी डे के मौके पर टिस्को ट्यूब डिवीजन के तीनों विभागों के बीच प्रतियोगियात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पीटी मिल्स एसटीपी और शेयर सर्विसेस विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए कर्मचारियों में जागरूकता लाने की कोशिश की गई। उन्हें दर्शाया गया कि कम लागत में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर कैसे ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए कई नए तकनीक सुझाए गए। इस मौके पर ट्यूब डिवीजन के पदाधिकारी एफ एक्स सोरेन एके चौधरी जनार्दन सिंह के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। शहर में ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जिनका भरण पोषण घरेलू उद्योगों पर निर्भर करता है, लेकिन दिन रात की मेहनत के बावजूद इतनी कमाई नहीं होती कि इनकी जीविका आसानी से चल सके। शहर के विभिन्न भागों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिन रात मेहनत कर घरेलू उद्योग के जरिए अपने परिवार की जीविका चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई घर में ही सामान जुटाकर चॉकलेट बनाता है तो कोई बांस की टोकरी एवं अन्य घरेलू के सामानों के निर्माण में लगे रहते हैं। घर का सिर्फ एक सदस्य ही नहीं बल्कि कई सदस्य इन चीजों के निर्माण में लगे रहते हैं ताकि इतनी आमदनी अवश्य हो कि परिवार ठीक ढंग से चल सके। लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद घरेलू उत्पाद में जुटे लोगों के समक्ष भी कई कठिनाइयां आ खड़ी होती हैं। इन उत्पादों को तैयार कर बेचने के बाद भी लोगों की कमाई उतनी नहीं होती जितनी वे अपने परिवार की गुजर बसर कर सकें। आईवीयू की टीम ने पाया कि टोयला डुंगरी बस्ती में ही कई परिवार चॉकलेट के अलावा बांस की टोकरी एवं अन्य सामानों के निर्माण में जुटे हैं। इन लोगों के मुताबिक शहर की कई बस्तियों में ऐसे परिवार हैं जो अपनी जीविका के लिए हाथ से बने सामानों पर निर्भर हैं, फिर भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने पर उनके बीच निराशा का माहौल है। ऐसे लोगों ने अपनी बातों को आईवीयू के कैमरे के समक्ष रखा। गरीब आदमी इसी में संतुष्ट हो जाता है, गरीब का सहारा किया है। इसमें खर्चा कितना आता है एक चॉकलेट पर? 10 पैसे या 5 पैसे। बिकता कैसे है दुकान में? 5 पैसे। एक महीना हो गया। और कितने हैं तुम्हारे जैसे जो लगी हुई है सब? बहुत कोई है। कितना होगा? 5-6 जन होगा। अच्छा, इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा तो नहीं है लेकिन तब भी बांधते हैं। मजबूरी? क्या मजबूरी? ऐसे ही घर में बैठ के क्या करेंगे। तो जो बनता है चॉकलेट कहाँ कहाँ जाता है? ऐसे हम लोग यहाँ से रिफ्यूजी ले जाते हैं लेकिन और लोग कहाँ कहाँ देता है। रिफ्यूजी में कहाँ? कृष्ण मंदिर का। ऐसा लगता है बांस खरीदने के बाद इसको मैंने काम करने के बाद इसको छील उल के इसको बनाने 8-10 रुपये लग जाता है। 8-10 रुपये 12 रुपये लगभग मार्केट में हम लोग बेचने के लिए जाते हैं लेकिन महाजन हम लोग 60 रुपये में ले लेता है और वो ज़्यादा दाम में बेचता है। हम लोग सिर्फ इसमें 5-6 रुपये ऐसे फायदा होता है। कब से लगे हैं इस काम में? सर करीब 10-15 साल हो गया सर ऐसे होता है। इसके लिए हम लोगों को कोई मैंने ये समाधान नहीं है। अपने बनाते हैं अपने गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा ही सबसे करते हैं सर। अगर हम लोग चॉकलेट का कारोबार है इसमें चॉकलेट में किलो में 8-9 फायदा हम लोग को। बहरहाल नतीजा जो भी निकल रहा हो लेकिन इन परिवारों के सदस्य यूं ही अपने कार्यों में लगे रहे तो इसका बढ़िया नतीजा भी सामने आ सकता है। यही सोचकर घरेलू उत्पाद तैयार करने वाले अपना कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री लक्खी विश्वास ने बाल दिवस के मौके पर गरीब और उपेक्षित बच्चों के चेहरों पर खुशियां लौटाने की कोशिश की। उनके नेतृत्व में सैकड़ों बच्चों को जुबली पार्क घुमाया गया। ये वैसे बच्चे हैं जो शुरू से ही गरीब और उपेक्षित जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं।
इनमें से कोई डंपिंग स्लैग चुनता है तो कोई चाय दुकान, गाड़ी दुकान या अन्य जगहों पर कार्य करता है। फिर भी ये बच्चे गरीबी और उपेक्षा के शिकार रहते हैं। इन बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटाने की कोशिश की कांग्रेस नेत्री लक्की विश्वास ने, जिनके नेतृत्व में वैसे बच्चों को जुबली पार्क और जूलॉजिकल पार्क घुमाया गया, जिन्होंने पार्क और जू का नाम तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। इन बच्चों को गुब्बारे और चॉकलेट भी दिए गए, जिससे गरीब और उपेक्षित बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने आईवीयू के कैमरे के समक्ष अपनी बातों को रखा। बहरहाल बाल दिवस के मौके पर गरीब और उपेक्षित बच्चों के कल्याण को लेकर काफी बातें कही जाती हैं। इस दिन बच्चों को लेकर कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेत्री ने गरीब और उपेक्षित बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की कोशिश की है, वैसा कम ही देखा जाता है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीओ न्यूज। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लाइज एडिट इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICC इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर अवतार बिल्डिंग, बिस्टुपुर, जयसर 1, फोन नंबर 2436405। वी मेक यू एक्सपर्ट अकाउंटेंट इन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटी की शादी है, आप सभी को आना है और खाना खा कर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है लेकिन खाना? जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लक्की कैटरर को। क्या लक्की कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे। वाह क्या स्वाद है, स्वाद है, खुशबू जो दिल को चुभा ले लगता यही स्वाद है। जम कर खाओ, खुशियां मनाओ, याद रहे ये पल, इन हाथों के प्यार में है दुनिया ये पागल। और ये भी मांगे और। ये है लकी रोल। हाँ जी, यही है लकी कैटरर। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, डॉक्टर एम राजा। हड्डी का बढ़ना, टूटना, खिसकना, हड्डी का सेट ना होना, नसों की सूजन, नसों की कमजोरी, नस का चढ़ना तथा काम न करना, लकवा, साइनस आदि रोगों का कंप्यूटराइज मशीन से इलाज कराएं और इनके जैसा जीवन बिताएं। गर्दन में दर्द था, लगभग एक महीना हुआ, अब आराम है। 6 महीने से मेरे इस हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, अभी 15 दिन से बहुत ही फायदा है। पसाया 2 महीने से पैरालिसिस हुआ था, 2 दिन के इलाज से मेरा बहुत ही फायदा। डॉक्टर एम राजा, 59 पिनार रोड, सांची, जमशेदपुर, फोन 2222174 एंड P118 स्वर्ण विहार सुनारी, फोन 2222174। ईश्वर न करे आपको हमारी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में, सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार, औषधि, शल्यक्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक, परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा
पैसा चिकित्सक करता है न कि चिकित्सालय, ईश्वर रोग मुक्त करता है न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन एसी और नॉन एसी, ओपीडी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा। इलेक्ट्रिकल्स फोन 305-943 कॉन्टैक्ट फॉर रिपेयर्स ऑफ कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, टेलीफोन, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, कूलर, गीजर, फैन एंड जनरेटर सेट एटसेट्रा। इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क्स, ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड पेरिफेरल्स। डोर सर्विस अवेलेबल फॉर कलर टीवी, कूलर एंड जनरेटर ओनली। प्लीज कॉन्टैक्ट पम्मी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, डी बाय 233 ए ब्लॉक, मेन रोड, नियर एरोड्रम मार्केट, सोनारी, जमशेदपुर 11। फोन 305-943-301-827। आईवीओ की खबरों में आपका फिर से स्वागत है और आइए अब डालते हैं संक्षिप्त खबरों पर एक नजर। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जेआरडी टाटा खेल परिसर में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धियों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का परिचय दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त श्रीमती निधि खरे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर अरुण उरांव उपस्थित थे जिनके हाथों विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया। इनमें बालक के अलावा बालिका वर्ग की प्रतियोगी भी शामिल थी। पुरस्कार वितरण समारोह में क्रॉस कंट्री रेस के विजेता प्रतियोगियों को भी पुरस्कृत किया गया। जी टीवी के म्यूजिकल शो सैंसुई अंताक्षरी और हीरो होंडा सारेगामा पा के ऑडिशन टेस्ट में भाग लेने स्थानीय होटल गंगा इंटरनेशनल में युवाओं की भीड़ लग रही है। मुंबई और अन्य शहरों के विशेषज्ञ संगीतकारों के समक्ष युवा गायक गायिका अपना गायन प्रस्तुत करने की होड़ में लगे हुए हैं ताकि उनका चयन सैंसुई अंताक्षरी और सारेगामा पा के लिए हो सके। इसके लिए कई युवा गायक गायिकाओं ने अपना ऑडिशन टेस्ट दिया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग गुनगुनाओगे माँ तुम्हे और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल। भाजपाइयों का दल स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने रांची रवाना। टाटा मुख्य अस्पताल में प्रतिरक्षण केंद्र की स्थापना और प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर शहर में खेल सहित कई कार्यक्रम। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आईवीओ टीम की ओर से नमस्कार।